हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कैलाश। तो आज के इस वीडियो में बनाने वाले एक मिनी डीजे मिक्सर, जिसको अपने घर पे आसानी से बना सकते हो। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना, ताकि हमारी नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, इस मिक्सर को बनाने के लिए हमने ले लिया एक प्लास्टिक का बॉक्स, और इसमें हमारे कुछ पार्ट्स भरे हुए हैं जो कि इस मिक्सर को बनाने में हम यूज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसको देख लेते हैं, इसमें हमने क्या क्या सामान लिया है। तो फिर देख सकते हैं यहाँ पे एक 44 बोर्ड है, और देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सामान और भरे हुए हैं जो कि एक ब्लूटूथ कार्ड है फ्रेंड, और इसमें कनेक्टर और वॉल्यूम बटन से हैं। तो चलिए फ्रेंड, इनको हम एक साइड में रखते हैं और इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो फिर हमने इस बॉक्स को खाली कर लिया है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो फिर हमें लगाना इसमें ब्लूटूथ कार्ड, इसके लिए फिर हमें करना होगा यहाँ पे होल। तो चलिए फ्रेंड, इसके लिए हम होल कर लेते हैं। तो फिर हमने होल कर लिया है, और आगे पीछे दोनों तरफ हमने होल कर लिया है, जो कि कनेक्टर लगाने के लिए भी काम आएंगे। तो फिर देख सकते हैं यहाँ पे कार्ड काफ़ी अच्छे तरीके से फिट हो जाता है। और चलिए फ्रेंड, इसमें हम सभी सामान रख के देख लेते हैं हमें किस तरह इसे लगाना है। तो फिर देख सकते हैं हमें कुछ इस प्रकार लगाना। तो चलिए अब सामान को सभी को हम हटा देते हैं, और इसमें हम वॉल्यूम बटन के लिए यहाँ पर होल करते हैं। तो फिर यहाँ पर हम होल कर लेते हैं एक एक करके। तो फिर यहाँ पे हमने होल कर लिया, तो चलिए इसमें हम वॉल्यूम बटन लगा के देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे हम एक एक करके तीनों वॉल्यूम बटन को फिट करके देखेंगे कि क्या यहाँ पे सही से लग जा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद फिर हम दूसरे साइड भी होल कर लेंगे। तो देख सकते हैं फिर हमने दोनों साइड होल कर लिया है। तो चलिए फिर इन होल में हम इन वॉल्यूम बटन को लगा के स्क्रू से अच्छे से टाइट कर देंगे। तो फिर हम सभी होल में वॉल्यूम बटन को लगा के कस लेते हैं। तो फिर इन कनेक्टर के लिए हम सोल्डिंग आयरन से होल कट करेंगे, काफ़ी अच्छा होल कट जाता है। तो फिर हमने दोनों तरफ होल कट कर लिया, तो चलिए इन कनेक्टर को लगा के हम स्क्रू से टाइट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमें बीच में भी एक कनेक्टर लगाना है, चलिए होल करके यहाँ पे कनेक्टर हम लगा लेते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने होल करके कनेक्टर को लगा के स्क्रू से अच्छे से टाइट कर लिया है। उसके बाद फिर हमें लगाना ऑन ऑफ बटन, तो चलिए फिर इसके लिए हम होल कट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हमने सोल्डिंग आयरन से होल कट कर लिया, तो इस बटन को यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो फिर हमने ऑन ऑफ बटन को होल्ड करके लगा दिया है। उसके बाद फिर हमें एक सिलेक्टर स्विच को भी यहाँ पे लगाना है, तो चलिए उसके लिए भी यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं। तो फिर बटन लगाने के लिए यहाँ पे हमने होल कट कर लिया, तो चलिए इस बटन को यहाँ पे लगा देते हैं। तो फिर स्क्रू से हम इसको दोनों तरफ से टाइट कर देंगे, जिससे कि ये बटन काफ़ी अच्छे तरीके से लग जाए। तो फिर हमने दोनों तरफ से स्क्रू से इस बटन को टाइट कर दिया है बॉक्स के साथ। तो फिर उसके बाद हमें मेन वॉल्यूम बटन लगाना है, तो उसके लिए फिर यहाँ पे होल कर लेते हैं। तो फिर हमने होल कर लिया, तो इस वॉल्यूम बटन को यहाँ पे लगा के स्क्रू से हम टाइट कर देते हैं। तो फिर हमने मेन वॉल्यूम बटन को लगा के अच्छे से कस दिया। तो फिर यहाँ पर हम दो होल कर लेंगे, जो कि इस माइक कनेक्टर को लगाने के लिए होगा। तो फिर चलिए इन दोनों कनेक्टर को लगा के स्क्रू से हम टाइट कर लेते हैं। तो फिर हमने सभी बटन की नोप लगा लिया है। तो फिर हमने दोनों सॉकेट को स्क्रू से अच्छे से टाइट कर लिया। उसके बाद हमें लगाना फिर एसी कनेक्टर, जो कि पावर कोर्ड का कनेक्टर होगा, जिससे हम एसी 220 वोल्ट सप्लाई देंगे। तो चलिए फिर इसके लिए हम कनेक्टर के लिए होल कट कर लिया। उसके बाद इस कनेक्टर को भी हमने यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद फिर लगाना है व्यू मीटर। तो फिर चलिए इसके होल करके हम इस व्यू मीटर को इसमें लगा लेते हैं।
तो फिर हमने मीटर को लगा लिया। उसके बाद हमें लगाना है 12 वोल्ट डीसी कनेक्टर, जिससे कि हम ऑडियो आउटपुट लेंगे। तो फिर यहाँ पे हमने सोल्डिंग आयरन होल कर लिया और इस कनेक्टर को यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो देख सकते हैं फिर हमने कनेक्टर को अच्छे से लगा दिया है। उसके बाद फिर हमने ले लिया अपना 44-40 वोल्ट। तो चलिए फिर इसमें देखते हैं क्या क्या नहीं है। तो फिर हमें इसमें एक आईसी लगानी है जो कि 44-40 है, जिससे कि हम एक स्पीकर बजाने के लिए इससे आउटपुट ले सकते हैं। तो फिर हमने आईसी लगा दिया और इसमें हम सोल्डिंग कर लेते हैं। तो फिर हमने आईसी के सभी लैग को सोल्डिंग कर दिया। उसके बाद फिर इसको हम हीट सिंक से कस देंगे। तो फिर हमने हीट सिंक से आईसी को कस दिया है। उसके बाद फिर हमें इसमें लगाना है ब्रिज रेक्टिफायर। तो फिर हमने 4 डाइबोर्ड ले लिया है। तो फिर इसके प्रिंट के अनुसार इसमें हम डाइबोर्ड लगा देंगे। तो फिर हमने सभी डाइबोर्ड को लगा दिया। उसके बाद इसकी सोल्डिंग कर लेते हैं। तो इसकी हमने सोल्डिंग करके लाइक काट ली है। उसके बाद फिर हमें इसमें लगाना है 1.7805 आईसी, जिससे कि हम 5 वोल्ट कार्ड के लिए निकाल सके। तो फिर हम आईसी को भी सोल्डिंग कर दिए जो कि 1.7805 है 5 वोल्ट डीसी के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे हमें देना है बेस टेबल के लिए कनेक्शन। तो फिर यहाँ पे हम वायर सोल्डिंग करेंगे। हम इसमें पट्टा वायर यूज करेंगे। तो फिर यहाँ से हम वायर कट कर लेते हैं। फिर हमने वायर कट कर लिया। तो हमें 6 वायर की जरूरत है जो कि एक चैनल के लिए बेस टेबल में लगेंगे। तो फिर हमने बेस टेबल के लिए एक चैनल की वायर सोल्डिंग कर ली। उसके बाद हम दूसरे चैनल की भी वायर सोल्डिंग कर लेते हैं। तो फिर हमने बेस टेबल के दोनों चैनल की वायर सोल्डिंग कर लिया है। उसके बाद फिर हमें 2 वायर ले लेना है और इसके स्पीकर आउटपुट के लिए भी सोल्डिंग कर लेना है। तो फिर हमने स्पीकर आउटपुट के लिए 2 वायर सोल्डिंग कर लिया। उसके बाद इस कनेक्टर में हम इसको सोल्डिंग कर देंगे। तो फिर हमने स्पीकर के वायर इस कनेक्टर में सोल्डिंग कर दिए हैं। उसके बाद फिर जो हमने बेस टेबल के लिए वायर सोल्डिंग की थी उसको हम वॉल्यूम में सोल्डिंग कर लेते हैं। तो फिर हमें एक चैनल की दोनों वायर को सोल्डिंग कर लिया जो कि बेस टेबल है। उसके बाद हम दूसरे चैनल की भी वायर हमने सोल्डिंग कर लिया, फिर देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम माइक कनेक्टर से एक वायर सोल्डिंग करके बटन के एक पॉइंट पर सोल्डिंग कर देंगे। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार हमने सोल्डिंग कर दिया है। और इसी प्रकार हम दूसरे चैनल पर भी सोल्डिंग कर लेते हैं। तो फिर हमने दोनों में इसी तरह सोल्डिंग कर लिया। आपको भी ऐसे ही सोल्डिंग कर लेना है। उसके बाद फिर माइक कनेक्टर की प्लस पॉइंट से एक बार सोल्डिंग करके वॉल्यूम बटन के बीच वाले पॉइंट पे सोल्डिंग कर देना है। तो देख सकते हैं हमने कुछ इस प्रकार सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद फिर हमने वॉल्यूम बटन के दोनों लास्ट वाले पॉइंट पे 2 वायर सोल्डिंग कर लिया है। और बोर्ड के जहाँ पे ऑडियो इन होता है वहाँ पे हम इसको सोल्डिंग कर देंगे। उसके बाद फिर सेम दूसरे चैनल के वॉल्यूम बटन में भी हमें 2 वायर सोल्डिंग कर लेना है और बोर्ड के दूसरे ऑडियो इन चैनल में सोल्डिंग कर देना है। तो देख सकते हैं फिर यहाँ पे हमने सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद फिर हम वॉल्यूम बटन के और माइक कनेक्टर के कनेक्शन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फिर हमें वॉल्यूम बटन के बीच वाले पॉइंट से एक वायर सोल्डिंग करके सिलेक्टर स्विच के लास्ट वाले पॉइंट पे सोल्डिंग कर दिया है। और सिलेक्टर स्विच के बीच वाले पॉइंट से सोल्डिंग करके हमने कनेक्टर के प्लस पॉइंट पे सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद फिर बोर्ड के इन पॉइंट से ऑडियो आउट होगा। तो फिर यहाँ से हम 2 वायर सोल्डिंग कर लेते हैं जो कि आउटपुट के लिए होंगी। दोनों चैनल का ऑडियो आउटपुट होगा, आपस में इनको शॉर्ट कर लेना है, जिससे कि हम एक ही कनेक्टर पे दोनों का आउटपुट ले सके। उसके बाद फिर हमने जो ऐसे लगाए थे उसके ऑडियो इन के लिए वायर सोल्डिंग कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर के लिए 2 वायर सोल्डिंग कर लेंगे और 5 वोल्ट डीसी के लिए वायर सोल्डिंग कर लेंगे। और लगाएंगे यहाँ पे हम 25 वोल्ट 47 वीएफ का कैपेसिटर। तो यहाँ पे लगा लेते हैं हम कैपेसिटर। तो यहाँ पे हमने कैपेसिटर की लैग को अच्छे से सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद हम बोर्ड को बंद कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे ये वायर रहे जो कि ऑडियो आउटपुट के लिए हमने सोल्डिंग किया था। तो फिर इसको हमें सोल्डिंग करना है इस बटन में। उसके बाद फिर इस वॉल्यूम बटन से ऑडियो आउट होकर इस कनेक्टर में जाएगी। उसके बाद फिर हमें इस दोनों कनेक्टर को पैरेलल में आपस में कनेक्ट कर लेना है। तो फिर हमने दोनों कनेक्टर को आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ से हमें 2 वायर निकल आते हैं जो कि मेन वॉल्यूम मास्टर में इन वायर को हमें सोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पे हम इन वायर को मेन मास्टर वॉल्यूम में हम सोल्डिंग कर दिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आप। उसके बाद फिर हमने आईसी के लिए जो ऑडियो इन के लिए एक वायर सोल्डिंग किया था उस वायर को हमें कनेक्टर के प्लस पॉइंट पे सोल्डिंग कर देना है जो कि ऑडियो के लिए है। उसके बाद फिर हमने जो 5 वोल्ट डीसी के लिए वायर सोल्डिंग किया तो उसके एक बार हमें सिलेक्टर स्विच के बीच वाले पॉइंट पे सोल्डिंग कर देना है। उसके बाद फिर हमने ले लिया ब्लूटूथ कार्ड, तो इसमें हमें 2 वायर सोल्डिंग कर लेना है जो कि माइक के हैं और एक वायर सोल्डिंग कर लेना ऑक्स के लिए। तो यहाँ पे हम 3 वायर सोल्डिंग कर लिए हैं। उसके बाद फिर इस बॉक्स में इस ब्लूटूथ कार्ड को लगा के स्क्रू से हम टाइट कर देंगे।
उसके बाद फिर जो हमने दो ब्लूटूथ कार्ड से वायर सोल्डिंग किए थे माइक के लिए, तो इस कनेक्टर में हमें उन दोनों वायर को सोल्डिंग कर देना है। उसके बाद फिर हमने कार्ड से जो ऑक्स के लिए एक वायर सोल्डिंग किया था, उसको हमें सिलेक्टर स्विच के लास्ट वाले पॉइंट पर सोल्डिंग कर देना है। कार्ड के ऑडियो आउटपुट से दो वायर सोल्डिंग करके वॉल्यूम बटन में सोल्डिंग कर देना है। उसके बाद फिर हमने भी मीटर के ऑडियो सिग्नल से एक वायर सोल्डिंग करके स्पीकर आउटपुट के कनेक्टर पर सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद 12 वोल्ट सप्लाई के वायर सोल्डिंग कर दिए हैं। उसके बाद फिर मैंने एक छोटा ट्रांसफार्मर लिया जो कि 606 का, तो फिर इनमें हमें एक ब्रिज रेक्टिफायर के दोनों वायर सोल्डिंग कर देना जो कि 606 में, जिससे कि 12 वोल्ट डीसी दे देगा। तो उसके बाद फिर इसको हम कागज में लपेट के टेप से अच्छे से इसे बांध देंगे। उसके बाद फिर हमें इसे टू साइड टेप से चिपका देंगे। उसके बाद फिर हमें ऑन ऑफ बटन से एक वायर सोल्डिंग करके एसी कनेक्टर में सोल्डिंग कर देंगे और दूसरी वायर को हम ट्रांसफार्मर के एक पॉइंट पे सोल्डिंग कर देंगे, और ट्रांसफार्मर का दूसरा वायर हम एसी कनेक्टर के दूसरे पॉइंट पे सोल्डिंग कर देंगे, जिससे कि ये बटन चालू करने पर ये सप्लाई से मिल जाएगी। उसके बाद फिर हमने एक इंडिकेटर LED लगा दिया 1K का रजिस्टर लगा के 12 वोल्ट सप्लाई से। तो फिर हमारे सारे कनेक्शन पूरे हुए, तो चलिए फिर इसको हम चेक कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने पावर कॉर्ड लीड ले लिया, तो चलिए इसको खोल लेते हैं और इसके कनेक्टर में हम इसको लगा देते हैं। तो फिर हमने पावर कॉर्ड की लीड को अच्छे से लगा दिया है, तो फिर इसको हमने सप्लाई भी दे दिया। चलिए इसको हम चालू करते हैं। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेटर LED चालू हो चुके हैं, तो फिर इसके ऑक्स सभी चालू हो चुके हैं। आप इसमें ऑक्स से ऑडियो देकर इसको चला सकते हैं। उसके बाद फिर जैसे इसका सिलेक्टर स्विच को आप नीचे करेंगे, तो इसका ब्लूटूथ कार्ड यहाँ पे चालू हो जाएगा, जिससे कि एक कार्ड से कनेक्ट हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ से ब्लूटूथ से भी इसको बजा सकते हैं। तो फिर चलिए इसमें हम गाना प्ले करके आपको दिखा देते हैं। तो फिर हमने मोबाइल को कनेक्ट कर लिया, तो चलिए इसमें सॉन्ग प्ले करते हैं। तो फ्रेंड इसमें सॉन्ग प्ले हो चुका है। तो फ्रेंड चलिए इस चैनल की पहले वॉल्यूम बढ़ाते हैं, फिर इसका मेन वॉल्यूम को भी बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड उसमें से हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, इसकी मेन वॉल्यूम जैसे हम बढ़ाते हैं, तो फ्रेंड इसका व्यू मीटर वर्क करने लगता है। देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे ये मिक्सर चालू हो चुका है। तो फिर अभी ये ब्लूटूथ कार्ड इस वाले चैनल से कंट्रोल होगा, इससे हम इसका बेस ट्रेबल कंट्रोल कर सकते हो। तो इसका हम वॉल्यूम जैसे ही डाउन करेंगे, यहाँ पे व्यू मीटर इसका बंद हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड हम जैसे इसकी वॉल्यूम फिर बढ़ाएंगे, इसका व्यू मीटर फिर चालू हो जाएगा, और इसका मेन मोस्टर वॉल्यूम बंद कर देंगे तो सभी चीज़ बंद हो जाएंगी। तो फ्रेंड जो हमने स्पीकर आउटपुट के लिए एक कनेक्टर लगाया, तो उसमें हम स्पीकर कनेक्ट करके आपको इसकी आवाज़ सुना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास DJ सेटअप नहीं है। तो फ्रेंड